सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्लों, एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। दिल्ली कैबिनेट में होया बड़ा बदलाव, सिख्या मंत्री आतशी नूं सौंपे गए दो होर विभाग, आतशी नूं सौंपे गए सेवावां ते चौकसी विभाग। संसद मैंबर राहुल गांधी 12-13 अगस्त को जाएंगे वायनाड, लोकसभा मैंबरशिप की बहाली तो बाद पहली बार वायनाड जाएंगे राहुल गांधी। पार्टी के जनरल सकत्तर केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने तरन तारण विधानसभा हल्के की टंड कसेल सराय मानतखा रोड की विशेष मुरम्मत का नींह पत्थर रखे, कहा पंजाब सरकार सड़की नैटवर्क की मजबूती लिए वचनबद्ध। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली दी कैबिनेट मंत्री आतशी नूं सेवावां ते चौकसी विभाग दा एडिशनल चार्ज सौंपिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नाल संबंधित प्रस्ताव नूं मंजूरी लई उपराज्यपाल वीके सक्सैना नूं भेज दिता है। एक सरकारी सूत्र ने जानकारी दी है, दोवें विभाग पहलां आतशी दे कैबिनेट सहयोगी सौरभ भारद्वाज कोल सन। यह कदम दिल्ली सेवा बिल नूं संसदी मंजूरी मिलने तो एक दिन बाद सामने आया। यह बिल केंद्र नूं राष्ट्रीय राजधानी विच नौकरशाही उत्ते कंट्रोल देवेगा। संसद ने विवादित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी खेत्र शासन सोध बिल 2023 वोट बंड तो बाद मंजूरी दी सी। यह बिल दिल्ली में समूह ए कैटागरी के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग लिए एक अथॉरिटी के गठन के लिहाज न लागू ऑर्डिनेंस का स्थान लवेगा। कांग्रेस के सबका प्रधान संसद मैंबर राहुल गांधी लोकसभा मैंबरशिप बहाल होने तो बाद हुण आने वाली 12-13 अगस्त को केरल स्थित अपने संसदीय खेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। पार्टी के संगठन जनरल सकत्तर केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है। संसद की मैंबरशिप बहाल होने तो बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड पहुंचेंगे। वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, 12-13 अगस्त को राहुल गांधी जी अपने संसदीय खेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वायनाड के लोग इस गल तो खुश ने कि लोकतंत्र की जित हुई है ते उन्हां दी आवाज संसद विच वापस आई है। पंजाब दीआं सड़कां दे मजबूतीकरण करन दा काम सरकार वल्लों लगातार जारी है। लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने तरन तारण विधानसभा हल्के दे टंड कसेल सराय मानतखां रोड की विशेष मुरम्मत का नींह पत्थर रख्या। 4,29,00,000 रुपए की लागत नाल 7.54 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार की जाएगी। हलका विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल भी मंत्री दे नाल सन। देखो तरन तारण हल्के बड़ी अहम सड़क है जी, टंड कसेल तो साई मंत तक जाती है और 7.5 किलोमीटर का यदा जोड़ा लेंथ है, 18 फुट चौड़ी है। सो यदी लास्ट रिपेयर जी 2014 च हुई सी, ड्यू तो काफ़ी लंबे समय तो सी ये, पर इनू बनाया नहीं गया। सो साडे मानयोग MLA साहब सरदार कश्मीर सिंह सोहल साहब जिन्हां दे यतनां दे नाल ये जड़ी सड़क है यदि स्पैशल रिपेयर की मंजूरी मिली है और साडे माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जिन्हां का एक सुपना है कि असी पंजाब दे विच जड़े ब्रिजेस ने जड़ियां सड़कां ने इन्हां नूं पूरियां प्रॉपर तरीके दे नाल ठीक करना, स्ट्रेंथनिंग करनी है इन्हां दी, जिथे नवीं रोड्स बनाउण दी लोड़ पई उत्थे नवीं रोड्स भी बनावांगे। सो अज इसे ही तहत असीं 7.5 किलोमीटर की सड़क कोई 4,29,00,000 रुपया जोड़ा है जो कि वो खर्चा होना है और लगभग 3-4 महीने के ये जी सड़क है बन के नशे लेके सरकार गंभीर आ संजीदा है। असं हर संभव कोशिश जी कर रहे हैं, कल भी तुम देखा होगा काफ़ी ज़्यादा हीरोइन वगैरह पकड़ी गई है पंजाब के। सो होर भी असी जिथे जिथे भी कोई समगलिंग हो रही है आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई की प्रचार कमेटी के चेयरमैन अशोक तंवर ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर नाल चंडीगढ़ में अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने हरियाणा में CET प्रीख्या के मामले को लेकर सूबा सरकार को घेरिया। उन्होंने कहा कि इन्ना समा बीतने के बाद भी प्रीख्या पूर्ण तौर पर मुकम्मल न करवा सकना वड्डी निलकी है। हम तो इतना ही कहेंगे कि ये अपने आप में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यापम घोटाला हुआ था, आपने सबने उसके बारे में सुना भी होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि
जो सीईटी एग्ज़ाम का मामला है, लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ, ये उसी तरीके से खिलवाड़ है। और ऐसे में एक साल के अंदर भी अगर खट्टर सरकार ये परीक्षा पूरी नहीं करवा पाई है तो ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ भद्दा मजाक है। मैं समझता हूँ कि इसको नए सिरे से चेयरमैन और पूरे बोर्ड को भंग करना चाहिए, नए सिरे से पूरा मामला होना चाहिए और इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। और सीईटी एग्ज़ाम के 17 जून 2022 को ये हुए थे और जुलाई 22 तक का इसके तहत ये भरे जाने थे मामला, लेकिन आज भी करीबन एक साल से ज़्यादा पूरा होने के बावजूद भी, और बार बार हाई कोर्ट ने इसके मामले के अंदर फटकार लगाई, चाहे वो डबल बेंच हो चाहे सिंगल बेंच का मामला हो, ऐसे में नौजवानों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, चाहे वो त्रुटियों के माध्यम से हो, चाहे रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, या फिर इसके ऊपर जो सरकारी खर्चे की हम बात करें, करीबन 20 करोड़ रुपया इसकी गोपनीयता को लेकर के भी वो खर्च किया गया, ऐसे मामले में जितनी जल्दी से जल्दी ये भंग होगा उतनी जल्दी मैं समझता हूँ कि भविष्य में नौजवानों का जो आने वाला भविष्य है वो हम बचा सकेंगे। कैनेडा के एडमिंटन में चढ़दी कला टाइम टीवी के दफ्तर का उद्घाटन किया गया। इस मौके वाहगुरु के चरणों में अरदास की गई। चढ़दी कला टाइम टीवी के डायरेक्टर सरदार हरप्रीत सिंह दर्दी और पंजाबी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता जनसंचार विभाग के सबका मुखी डॉक्टर हरजिंदर पाल सिंह वालिया भी इस मौके मौजूद रहे। हरप्रीत सिंह दर्दी ने कहा कि देश विदेश में सिखी का प्रचार प्रसार करने वाला चढ़दी कला टाइम टीवी इस तरह अपनी सेवा निभाता रहेगा। पाकिस्तान की वारिशाह इंटरनेशनल अवार्ड कमेटी ने साल 2022-23 के अपने वकारी पुरस्कार नाल गायक गुरदास मान, कहानीकार वरियाम सिंह, कवि रविंदर रवि नूं सन्मान देने का ऐलान किया। वारिशाह इंटरनेशनल अवार्ड कमेटी के चेयरमैन इलियास घुमण वालों जारी किए गए प्रैस बयान में लिखा गया कि वारिशाह इंटरनेशनल अवार्ड कमेटी ने साल 2022-23 लई पाकिस्तान के चोटी के पुरस्कार नाल दो सरमौर पंजाबी लेखकों ते एक वड्डे पंजाबी गायक नूं सन्मान करन दा ऐलान किया। कहानीकार वरियाम सिंह संधू, पंजाबी कवि रविंदर रवि अते पंजाबी गायक गुरदास मान नूं सन्मानित किया जाएगा। वारिशाह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार नाल लैंदे पंजाब दे मुख पंजाबी लेखकां गायकां ते मां बोली दे सेवकां नूं भी सन्मानित करन दा ऐलान किया गया। इस संबंध में अवार्ड देण दा शानदार समागम 26 अगस्त 2023 नूं 3 बजे लाहौर में होगा। अकाली दल अमृतसर फतेह वालों देश में हो रही हिंसा के खिलाफ और खालसा एड उत्ते छापेमारी करने के खिलाफ रोस जताने पटियाला डिप्टी कमिश्नर को मंग पत्र दिया गया और देश में हो रही हिंसा के खिलाफ चिंता जाहिर करदे अकाली दल अमृतसर फतेह के बुलारे मखण सिंह सहौली ने कहा कि खालसा एड लोक सेवा के काम करती है तो अजिही संस्था के खिलाफ छापेमारी सही नहीं है। असीं आया भी जिहड़ी एक मणिपुर घटना हुई है जी, एक मतलब लेडी है जिन्हों नंगा करके और वो कुछ किया, मतलब जोड़ा कुछ आप नहीं दस सकते, मतलब एक बहुत ही उन्होंने मतलब निंदन योग गल की। जे उरे कोई नशा छुड़ा हूँ, अमृतपाल नशा छुड़ा रहा थी, उन्होंने चक के जेल से डकता भी वो बंदे दरिंदे जिहड़े हरियाणे दे विच देखो किन्ना उन्होंने मतलब किया, मतलब लोगों का बुरा हाल करता, दंगा करिया, मतलब उरे फिर जिहड़े हड़ पीड़ित लई मदद करते हैं खालसा एड पूरे इंडिया के वर्ल्ड के करता, उन्होंने जाके तलाशी लेनी पटियाले दे विचे लोग किन्ना नशा बेचते हैं, उन्होंने इशारा करना भी तुसी नशा बेचो भी इस असी मुद्दे लैके पे उरे आया भी ये गल्लां ने जिहड़ियां असी नहीं कहिंदे भी तलाशी जे कोई तुहानूं लगदा करो पर खालसा एड दी क्यों। जलंधर के थाना 8 अधीन पैंदे संतोखपुरा विच देर रात गोलियां चल गईयां, इस नाल इलाके विच दहशत फैल गई। गोलीबारी की घटना तो बाद पीड़ित परिवार ने भी काफ़ी हंगामा किया। यह सारी घटना उत्थे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुँच के गोलियां के खोल बरामद किए ने। पुलिस ने इस मामले की जाँच भी शुरू की है। पीड़ित विशु सानी और हर्ष सानी ने दोष लगाते कहा कि उनका रिश्तेदार BMS फैशन का मालिक लक्ष्य वर्मा करीब 1:30 बजे रूबी और प्रथम समेत 3-4 अणपछाते व्यक्ति उनके घर आया तो उसने आँदे ही भनतोड़ करनी शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि इस तो बाद रूबी और लक्ष्य ने पिस्तौल काढ़ के फायरिंग की। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने की गल कही है। अभी वेरीफाई कर रहे हैं
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੰਪਲੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤੀ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ अमृतसर के बी आर टी सी प्रोजेक्ट के नाल जुड़े मुलाजमान ने अज रोस प्रदर्शन किया। इस मौके उन्हें कहा कि विभाग वालों लिया नवी कंपनी घट तनखा देने की गल आख रही है जबकि वह पहला वाली तनखा उत्ते ही काम करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जून महीने की भी तनखा नहीं मिली। इस संबंधी नगर निगम के कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि मामला उन्होंने ध्यान में है तो उच्च अफसरों जाणू करवाया गया। उन्हें कहा कि जल्द ही इन्होंने मंगों का पूर्ण हल कढ़िया जाएगा। एस एस पी फाजिलका मनजीत सिंह ढेसी वालों नशा वेचण वालों के माड़े असरों को नत्थ पाने एक वट्सएप हैल्पलाइन नंबर जारी किया गया। इस मौके उन्होंने नशे की विक्री उत्ते पूरी तरह रोक लगाने समूह जिला वासियों को पुलिस का सहयोग देने की अपील की है। एस एस पी ने कहा कि जिले में नशे को पूरी तरह खत्म करने जिला पुलिस वालों विशेष मुहिम चलाई जा रही है और नौजवान पीढ़ी को घुण वांग खा रहे नशे के इस कारोबार में लगे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान उन्होंने वट्सएप हैल्पलाइन नंबर जारी करते हैं कहा कि जेकर किसी को नशा बेचने वाले संबंधी कोई भी जानकारी है तो वह उस जानकारी को पुलिस नाल सीधे तौर पर साझा कर सकता है। वट्सएप नंबर जिला फाजिलका वालों मैं लॉन्च कर जा रहा। इस वट्सएप नंबर लॉन्च कर मकसद यह हैगा है कि जेडे साढ़े फाजिलका दे अबोर दे जलालाबाद जिहड़ा फाजिलका जिला आ इहदे लोकां नूं इह सुविधा देण लई कि जिहड़ा नशे प्रति जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ कई वारी साढ़े तक पहुँचण च कुछ इदां दे सज्जण या कुछ इदां दे लोग हैगे आ जिहड़ा अपना आप जाहर नहीं करना चाहुंदे या अपने आप नूं अगे ना आ के वह पिछे रह के कुछ बंदियां बारे जिहड़े उन्हां नूं पता हुंदा वह जानकारी देना चाहुंदे आ। ये इदां दा एक वाया मीडिया असी एक चुनिया हैगा कि असी ये वट्सएप नंबर 8699391844 ये असी लॉन्च किया हैगा अज्ज। ये पहला भी जो मैं एस एस पी रहा सीगा उदों भी मैं किया सीगा सो इहदे विच काफ़ी कामयाबी मिली सी। इहदे विच इह हैगा कि नशे प्रति जिथे भी इलाके दे विच किसी दे कोई नशा विकता हैगा कोई माड़े अंसर जिहड़ा नशे का धंधा करदे आ इह सानूं अपना इनफॉर्मेशन मैसेज दे देंगे इस नंबर पर। यह जो असी पैंफलेट जो लॉन्च किया है ये हर जगह साढ़े थाणियां साढ़े चौंकियां और होर पब्लिक प्लेसिस असी यदी वध तो वध यदी जिहड़ी हैगी इहनूं लावांगे जाके ताकि लोग जागरूक हो सकन ताडे मीडिया दे वाया मीडिया प्लस असी होर अपने फेसबुक तो भी सारयां नूं जागरूक करावांगे ताकि हर बंदे नूं इहदी नॉलेज होवे। सरदूलगढ़ विच नेड़ले पिंड मीरपुर खुर्द दे सरपंच जगसीर सिंह दे घर उत्ते हमला होया सी। इस मामले संबंधी कार्रवाई करदिआं पुलिस ने चार व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज किया सी पर अज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां वल्लों उन्हां चार व्यक्तियों विचों दो व्यक्तियों नूं निर्दोष दसदिआं थाने अगे विशाल रोस धरना दिता गया। इस मौके किसान आगुआं ने कहा कि कुल चार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उन्हां विचों दो व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष ने जिन्हां नूं मुकदमे विचों कढवाउण लई अज धरना लगाया गया। किसानों ने कहा कि मामला बिल्कुल सियासत नाल जुड़िया होया है। थाणा सरदूलगढ़ के मुखी बिक्रमजीत सिंह दे भरोसा दिवाउण तों बाद धरनाकारियों ने अपना धरना समाप्त किया। इन्हें एक तो पिछले दिन साढ़े थाने के लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज होया पिंड मीरपुर खुर्द का ये संबंधी ये कह रहे थे भी साढ़े दो बंदे जोड़े बेगना ने गलत मुकदमे के पाए गए हैं उस संबंधी असं इन्होंने भरोसा दवाया कि तफ्तीश के दौरान जोड़े तत्थ होने वे मुताबिक ही कार्रवाई की जाऊगी जो कोई बेगना होया बेगना किया जाऊ जो रोल सामने आया तो उन्होंने दोषी ही बनाया जाए। मणिपुर में लड़कियों नाल बलात्कार की घिनौनी घटना से हिंसा के खिलाफ मसीही भाईचारे वालों गुरदासपुर के कस्बा हरचोवल में विशाल रोस मुजाहरा किया गया। केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई उत्थे धरना दे रहे वड्डी गिणती में इकट्ठे हुए मसीही भाईचारे साबका फौजी और होरना जथेबंदी के लोगों का कहना है कि भाजपा वालों मणिपुर दीयां दो जनजातियों में फैलाए जा रहे जहर का सिट्टा अत्यंत मंदभागी घटना के रूप में सामने आया। उन्होंने भाजपा के अगवाई वाले मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की भी मांग की है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल नहीं जाते नज़र मारद मौसम के हाल से बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के धन्यवाद।